मिर्जापुर के एरोरा पटियाटा गांव के दबंगों की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने एक युवक को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से और हथियारों से बुरी तरह पीटा। खुद को बचाने के लिए युवक इधर उधर भागकर ग्रामीणों से बचने की कोशिश करता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने भी सामने आने की हिम्मत नहीं की। परिजनों के मुताबिक घटना से एक दिन पहले दवा की दुकान पर पीड़ित युवक के साथ कुछ लड़कों की कहासुनी हुई थी। फिलहाल गंभीर हालत में युवक को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। उधर इस मामले में युवक के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पहले यह है वो है तो बोला गया है 50 रुपये की दवाई नहीं है, 20 रुपये की दवाई है। उसने उसको छिड़का दिया, बस वो एक तमाचा उसको मारा, उसके बाद 4-5 लड़के उसको मिलकर मारे। शामली के बुढ़ाना रोड पर प्रगति मार्केट में बाइक सवार बदमाशों ने रंगदारी न देने पर एक मेडिकल स्टोर के सामने सरेआम फायरिंग की। मेडिकल स्टोर के मालिक ने काउंटर के नीचे घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। गोलियों की आवाज से पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारी अपनी अपनी दुकानों पर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों के साथ बीजेपी सांसद हुकुम सिंह और बीजेपी विधायक सुरेश राणा समेत कई नेता धरने में शामिल हुए। सामने से बाइक पे थे, उन्होंने 3-4 कार करे, इतना पुलिस अपने आगे इस बारे में नहीं जब बाइक पाए हूँ बाइक पे मुँह लपेटे हुए थे थोड़े दिन नहीं मुझे हमें इतना जान कहाँ पड़े आज मैं तो भागती चमके। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सरेआम शूटआउट से सनसनी फैल गई। यहां फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर कौन थे इसका पता अब तक नहीं चला है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।